दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी खूनी मंडे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। क्रिसमस हॉरर स्टोरी द लेजेंड ऑफ क्रैम्पस। क्रिसमस का त्यौहार क्रिश्चियन कल्चर में बहुत स्पेशल माना जाता है। क्रिसमस को दुनिया भर में सेलिब्रेट भी किया जाता है। क्रिसमस से जुड़ा एक ट्रेडिशन ये है कि जो बच्चे पूरे साल अपने बेस्ट बिहेवियर में रहते हैं, सांता क्लॉस उन्हें क्रिसमस ईव के दिन उनके मनपसंद गिफ्ट देते हैं। वो रात में चुपचाप आकर क्रिसमस ट्री के नीचे बच्चों के लिए गिफ्ट्स रखते हैं और बच्चे सुबह उठते ही उन गिफ्ट्स को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। पर उन बच्चों का क्या जो अपने बेस्ट बिहेवियर में नहीं रहते? ये कहानी सैम की है। 11 साल का सैम कनाडा की सिटी टोरंटो में रहता था। सैम बचपन से ही हर चीज में बहुत एक्टिव था। स्पोर्ट्स से लेकर एकेडमिक्स, सैम हर फील्ड में एक्सेल करता था। पर इन सबके चलते सैम के अंदर काफी घमंड आ गया था। वो अपने आप को अपने क्लासमेट से ऊपर मानता था और कम स्कोर करने वाले बच्चों को बुली भी करता था। उसकी कंप्लेंट्स काफी बार की गईं, पर क्योंकि वो एक पढ़ने वाला ब्राइट स्टूडेंट था, उसे सभी प्यार से समझाया करते थे। पर सैम किसी की बात नहीं सुनता था। उस साल सैम ने फिर से क्लास में टॉप किया था और उसका घमंड ऊंचाइयां छू रहा था। उसने क्रिसमस के लिए सांता से अपने फेवरेट एक्शन फिगर की भी मांग की थी। क्रिसमस ईव के दिन सैम के मन में एक आइडिया आया। वो सांता को अपनी आंखों से देखना चाहता था। उसने डिसाइड किया कि वो रात 12 बजने के बाद जब सब सो जाएंगे तो वो क्रिसमस ट्री के पास एक जगह छुपकर सांता को आते हुए देखेगा। करीबन रात के 12:30 बज रहे थे। सैम के घर में सब सो चुके थे। सैम दबे पांव अपने कमरे से बाहर आया और किचन के एक नीचे के कैबिनेट में छुपकर बैठ गया। उस कैबिनेट के दरवाजे की दरार से क्रिसमस ट्री बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। सैम वहां बैठकर सांता का वेट ही कर रहा था कि तभी उसे कहीं से बेल्स बजने की आवाजें सुनाई दी। ये आवाज कहानी के हिसाब से सांता के रेनडियर स्ले यानी सांता की व्हीकल की होनी चाहिए थी। सैम बहुत एक्साइटेड हो गया। उसे यकीन हो गया था कि उसे उस रात सांता को देखने का मौका मिलेगा। तभी सैम को चिमनी से किसी के नीचे आने की आवाज आई। सैम चिमनी पर अपनी नजर टिकाए बैठा ही था कि उसने देखा कि चिमनी से नीचे किसी के पैर आ रहे हैं, पर वो पैर किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी जानवर के जैसे लग रहे थे। सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने में उस चिमनी से एक बेहद ही डरावना सा क्रीचर बाहर निकला। उसके सर पर दो सींग थे और उसका मुंह एक राक्षस जैसा था। वो तेज सांसें ले रहा था और उसके हाथ में आग सुलगती हुई लकड़ी की एक रॉड थी। उसे देखते ही सैम की चीख निकल गई और उस राक्षस ने सैम को कैबिनेट के अंदर बैठे देख लिया। वो सैम की तरफ दौड़ने लगा कि तभी सैम उस कैबिनेट से निकलकर अपने कमरे की तरफ भागा। वो चीख रहा था पर उसकी चीखें कोई सुन ही नहीं पा रहा था। वो क्रीचर किसी मॉन्स्टर के जैसा लग रहा था और वो उसका पीछा करते करते लिविंग रूम की छत पर चढ़ गया। सैम का दिल उसके शरीर से बाहर आकर धड़क रहा था। देखते ही देखते उस मॉन्स्टर ने सैम को पकड़ लिया और उसे जमीन पर लेटा दिया। उस मॉन्स्टर ने सैम के हाथ पर वो गर्म रॉड लगा दी और उस गरम रॉड के लगते ही सैम को दौरे पड़ने लगे। दोस्तों, इस हफ्ते द क्राइम शो में हम लेकर आए हैं द डंकी स्कैम, क्राइम की एक ऐसी कहानी जो आपका दिल दहला देगी। हरपाल सिंह, उसकी बीवी और बेटी तीनों को अमेरिका के ऐसे सपने की लालच में फंसाया गया कि वो चाह कर भी उस जाल से कभी बाहर नहीं निकल सके। जानने के लिए एंड स्क्रीन या पिन कॉमेंट की लिंक पर क्लिक करिए और देखिए हमारी नई स्टोरी डंकी स्कैम। ऐसा लग रहा था कि सैम किसी ट्रांस में चला गया है और उसकी आंखें एकदम लाल पड़ गई थीं। सैम दर्द में चीख रहा था।
पर उसे कोई नहीं सुन पा रहा था। धीरे धीरे सैम की आंखें बंद पड़ गईं और वो जमीन पर नीचे गिर गया। अगले दिन सैम उठा तो वो हॉस्पिटल में था। उसके हाथ में एक पट्टी बंधी थी और उसके घर वाले उसके पास ही बैठे थे। उन्होंने बताया कि सैम उन्हें सुबह लिविंग रूम में पड़ा हुआ मिला और उसके हाथ के पास एक जली हुई लकड़ी थी। सबने ये माना कि सैम घर की फायरप्लेस में जलती लकड़ियों के साथ खेल रहा था, जिसके चलते उसने अपना हाथ जला लिया। सैम ने कई बार उस रात का सच बताने की कोशिश की। सैम ने यह भी बताया कि जब उसे दौरे पड़ रहे थे तो सैम को अलग अलग चीजें याद आ रही थीं, जैसे उसे अपने घमंड के चलते किए हुए सभी बुरे काम अपनी आंखों के सामने दिख रहे थे। क्लास में बच्चों को बुली करना, बदतमीजी करना, कभी किसी की मदद ना करना। उसने ये सब कई बार अपने परिवार वालों को बताया पर किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। करीबन एक हफ्ते बाद सैम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। उस इंसिडेंट के बाद से उसे रात को नींद नहीं आती थी। सैम ने इंटरनेट पर रिसर्च की तो जो रिजल्ट्स उसके सामने आए वो दिल दहला देने वाले थे। जो मॉन्स्टर उसे उस रात दिखा था वो क्रैम्पस था। लेजेंड्स के हिसाब से क्रैम्पस सांता क्लॉस की एक काली परछाई मानी जाती है, जो उन सभी लोगों को डराती है जो दूसरों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। सैम ने जब क्रैम्पस के बारे में और पढ़ा तो उसे सब कुछ समझ आ गया था और उसने उसी दिन से डिसाइड किया कि वो अपने बिहेवियर्स में चेंजेस लाएगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। उसे लगा कि ये सब करके अब क्रैम्पस दोबारा नहीं आएगा। लेकिन फिर एक रात वही मॉन्स्टर सैम को वापस दिखा और तब से सैम चैन की नींद नहीं सो पाया है। हरपाल सिंह, उसकी बीवी जसप्रीत कौर और उसकी बेटी जैस्मिन तीनों मेक्सिको की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर खड़े थे। उन्हें किसी बात का डर सताया जा रहा था। जैसे जैसे वो सिक्योरिटी चेक के करीब जा रहे थे उनकी दिलों की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थीं। मगर ऐसा क्या था जो उन्हें इतना डरा रहा था? जानने के लिए एंड स्क्रीन या पिन कमेंट की लिंक पर क्लिक करिए और देखिए हमारी नई स्टोरी डंकी स्कैम हमारे चैनल द क्राइम शो पर। चेकआउट करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।